प्रदेश सरकार ने शनिवार देर शाम 12 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए, जिसमें विश्वजीत महापात्रा को पुलिस महानिदेशक विशेष जांच उत्तर प्रदेश लखनऊ, सुनील कुमार गुप्ता को अपर पुलिस महानिदेशक दूरसंचार लखनऊ बनाया गया, रवि जोसेफ को जीएसओ डीजीपी बनाया गया, वहीं ज्योति नारायण को आईजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया, विजय प्रकाश को आईजी फायर सर्विस, धर्मवीर को आईजी होमगार्ड लखनऊ बनाया गया। वहीं आज 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी ज्योति नारायण को आईजी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश बनाया गया। ज्योति नारायण उत्तर प्रदेश में कई जिलों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, राजधानी लखनऊ के भी। ऐसा ही हमारे संवाददाता उमेश मिश्रा ने आईजी कानून व्यवस्था ज्योति नारायण से की खास बातचीत, देखिए। 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी ज्योति नारायण जी, जो राजधानी लखनऊ में एसएसपी रहे, बतौर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तैनात रहे, अब महत्वपूर्ण पद पे तैनाती की गई है आईजी लॉ एंड ऑर्डर की। ज्योति नारायण जी, पहले तो लाइव टुडे की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। क्या प्राथमिकता होगी सर कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए? शासन ने, पुलिस महानिदेशक महोदय ने प्राथमिकता तय कर दिए हैं और हम लोगों का दायित्व है कि जितने भी निर्देश हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित कराएं और जनपद में जितनी भी कानून व्यवस्थाएं की घटनाएं हैं वो आप तक पहुंचाएं। सर, विवेचना की गुणवत्ता को लेकर लगातार निर्देश दिए गए हैं डीजीपी मुख्यालय की तरफ से। जो विवेचक हैं और जो आवेदन करता है यानी जो एफआईआर लिखाते हैं, उसकी गुणवत्ता कैसे आए, इसको लेकर क्या कुछ प्रभावी ढंग से निर्देश हैं? मैं कल ही कार्यभार ग्रहण किया है। मैं विवेचना से संबंधित जितने भी निर्देश हैं वो मैं अध्ययन करूंगा और कोशिश करूंगा कि उसका अनुपालन अक्षरशः कराई जाए, और अगर कहीं कोई शिकायत होती है तो उन्हें समुचित निर्देश भी यहां से दिए जाएं। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए 96 बैच के आईपीएस अधिकारी ज्योति नारायण जी, जो अब कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश का दायित्व का निर्वहन करेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर उनका कहना है कि बेहतर पारदर्शिता रखी जाएगी। कैमरा अंकित यादव के साथ उमेश मित्रा, लाइव टुडे लखनऊ।